मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है साहिल। आप देख रहे हैं बीविस्टर, खबरें जिसमें आपका फायदा। जी हाँ, खबरें जिसमें आपका फायदा। तो चलिए देखते हैं आज की पहली खबर क्या आ रही है। पहली जो खबर आ रही है, यहाँ सुरक्षा स्टोर जो है खोले जा रहे हैं करीब। अभी ये सुरक्षा स्टोर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सरकार की तरफ से ये सुरक्षा स्टोर खोले जा रहे हैं, जो जहां पर आप रहते हैं आसपास की जो दुकानें हैं, जो स्टोर्स बने हुए हैं, उनको जो है सुरक्षा स्टोर के अंदर जो है कन्वर्ट किया जा रहा है, तब्दील किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जो एक नॉर्मल स्टोर है उस पर साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखने के लिए और उसको सैनिटाइज करने के लिए जो है सरकार ये कदम उठा रही है। तो सरकार की तरफ से ये सब किया जा रहा है और सरकार इन जो नॉर्मल स्टोर्स हैं आपके आसपास, आपके मोहल्लों में, गली में, बाजारों में, उन सभी को जो है नॉर्मल स्टोर से सुरक्षा स्टोर में बनाया जा रहा है। और इसमें इस स्कीम के अंदर लोग जो है बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और जल्द ही जो है ये शुरू किया जाएगा और काफ़ी हद तक जो है इसके जो है पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं। और जैसा कि सरकार की तरफ से ये बताया जा रहा है कि बहुत से लोग जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। जब भी आप किसी स्टोर में जाएंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी कि वहाँ पर जो है साफ सफाई नहीं होगी या उसे सैनिटाइज नहीं किया जाएगा। हर चीज़ को, दुकान को और साफ सफाई सबको जो है सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम हो सके और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो जनता को। तो चलिए देखते हैं हम अगली खबर। अगली खबर जो आ रही है, गूगल ने जो है एक गूगल मीट नाम से जो है, जिस पर जो है आप जो है करीबन 16 लोगों से जो है एक टाइम पर बात कर सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्क एट होम हम सब कर रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है गूगल ने जो है गूगल मीट नाम से जो है आपको एक अच्छी फैसिलिटी दी है, जिसमें जो है आप काफ़ी लोगों से जो बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है 16 से 100 भी हो सकती है, क्योंकि जैसा कि डिमांड बढ़ती जा रही है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी जो है ये कह लीजिए कि आपके लिए सुविधा जो है गूगल जो दे रहा है। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जो अगली खबर है वो है, सरकारी बैंकों ने जो अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन की घटा दी है, होम लोन हो या ऑटो लोन हो। SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपनी इंटरेस्ट रेट पहले से ही घटा रखी है, लेकिन एक नया बैंक जो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जी हाँ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी जो है अपनी जो है लोन की रेट घटा दी है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है जिन लोगों को होम लोन या ऑटो लोन लेना है, और जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने से जो है करीबन 7.90 जो कि MCLR, जी हाँ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लैंडिंग रेट, ये क्या होती है मैं ये भी आपको बता देता हूँ। ये एक ऐसी रेट है जो मिनिमम रेट होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे कम पर जो है लोन नहीं मिलता है। तो इसको फिक्स किया गया है, जी हाँ, जो कि घटाकर जो है अब 7.9 कर देगी है, जो लिमिटेड रेट है जो ये 7.90। तो अगर कोई लोन, होम लोन या ऑटो लोन लेना चाह रहा है तो इन बैंकों से जो है ले सकता है, क्योंकि इनकी रेट्स जो है अभी घट चुकी हैं। तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है। जी हाँ, जो अगली खबर है वो CBSE बोर्ड से आ रही है। CBSE बोर्ड में जो 10th 12th के एग्जाम्स होने हैं उनकी तैयारी के लिए जो है ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसमें जो है आपको जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स दी जाएगी, आपको जो है हर तरह की जो है परीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा, जिसमें आपको ई सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ, मई महीने का जो स्केड्यूल है इस ट्रेनिंग्स का जो है वो जो है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है अपलोड कर दिया गया है। जी हाँ, जो है आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, 500 से अधिक जो है सेशनल जो है इस प्रोग्राम के अंदर आयोजित किए गए हैं, देश विदेश के टीचर्स इसके अंदर होंगे। करीबन मैं बता दूँ 500 से अधिक जो है फ्री टीचर जो है ट्रेनिंग जो है सेशन आयोजित किए गए हैं, और इसके अंदर ये जो भी आपको जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, करीबन 35,000 से अधिक टीचर और प्रिंसिपल्स ने जो है ऑनलाइन जो है इसमें हिस्सा लिया है। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं अगली खबर क्या आ रही है।
यूजीसी और नेट जो है 2020 की जो परीक्षा होनी है, जी हाँ, तो इसका जो है अभी अभी फिक्स तो अपडेट नहीं आया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि जून में इसकी परीक्षा हो सकती है। जी हाँ, जून में इसकी परीक्षा हो सकती है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से, तो उनके लिए एक अच्छी खबर यही है कि जून में एग्जाम होने हैं, तो वो अपनी तैयारी जो है जारी रखें, जल्दी एग्जाम्स होंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।